कांग्रेस पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा ऐलान किया। अब सभी काम को श्री गणेश के जय घोष से शुरू किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि अब कांग्रेस पार्टी जो भी काम करेगी श्री गणेश के साथ करेगी और उनके जय घोष के साथ किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि कुमाऊं और गढ़वाल के दोनों मंडलों में कांग्रेस पार्टी परिवर्तन यात्रा निकालेगी। परिवर्तन यात्रा 3 सितंबर से 6 सितंबर तक निकाली जाएगी। हरिद्वार में पूर्व मुख्यमंत्री ने परिक्रमा करने का ऐलान किया कि गन्ना किसानों की समस्याओं को लेकर वह हरिद्वार का परिक्रमा करेंगे और जो भी काम किया जाएगा अब श्री गणेश के साथ किया जाएगा। यानी कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के पहले एक बार फिर हिंदुत्व कार्ड खेला है। मैं हरीश रावत का हर काम जय श्री गणेश के साथ होगा और गणेश ने कह दिया है कि मैं गणेश सबके द्वार। इसकी खासियत ये होगी आम व्यक्ति का कल्याण, जो हमारे संस्कार हैं पारिवारिक उनकी रक्षा करना और बुराई से सबकी हिफाजत करना, जो बुराइयां भाजपा और दूसरे रूप में आ रही हैं उनसे हिफाजत करना, वो काम गणेश भगवान ही तो करेंगे। आप तो ब्राह्मण आदमी हैं, मुझे बताइए बिना गणेश के आप कोई अपनी रक्षा का उपबंध करते हैं? तो इसलिए हम भी जब यदि जय श्री गणेश कह दे रहे हैं तो आप लोग जोशी जी।